नमस्कार बच्चों, इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा तीसरी का विषय मराठी पाठ 24 सारे कसे छान इसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए पहले हम कविता का वाचन करते हैं। गावाजवळ नदी, नदी त पाणी, पाण्यात मासा झोपतो कसा, झोपडीजवळ झाड, झाडावर पक्षी, पक्ष्यांचा पंखावर छान छान नक्षी, झाडाजवळ शाळा, शाळेत मुले, बागेत जसी टोलतात फुले। इस तरह आप कविता को याद कर लीजिएगा। चलिए अब हम समझते हैं। गावाजवळ नदी, गावाजवळ मतलब गांव के पास, जवळ मतलब पास में, तो गांव के पास में नदी, नदी त पाणी, नदी में पानी है, पाण्यात मासा, पानी में मासा है, मासा मतलब मछली, झोपतो कसा, आप विचार करिए, झोपतो मतलब सोना, कसा मतलब कैसा, मछली पानी में कैसे सोती होगी, आप इसका विचार करिए। तो आगे चलते हैं अब हम। झोपड़ी जवर झाड़, झोपड़ी के पास में, ये देखिए झोपड़ी, उसके पास में एक झाड़ है, झाड़ मतलब पेड़, झाड़ावर पक्षी, झाड़ पर पक्षी बैठे हैं, पक्षी है, पक्ष्याचा पंखावर छान छान नक्षी, पक्षी के पंख पर सुंदर सुंदर, छान छान सुंदर सुंदर नक्षी है, डिजाइन है, सुंदर सुंदर डिजाइन है, झाड़ावर झाड़ाजवळ शाळा, झाड़ के पास शाळा है, विद्यालय है, शाळे तो मुले, विद्यालय में बच्चे, मुले मतलब बच्चे, बागेत जशी डोलतात फुले, यहाँ पर कवि ने तुलना की है, क्या तुलना की है, ये जो बच्चे हैं, बच्चों को फूल की उपमा दी है कि बच्चे फूल जैसे हैं, जैसा फूल हवा के झोंके से इधर उधर डोलता है, उसी तरह ये जो विद्यालय है वो बाग की तरह है और इसमें पढ़ने वाले बच्चे फूल की तरह है और वो फूल की तरह डोलते हैं। इस तरह से हमें ये कविता में बताया गया है। तो बच्चों, इस कविता को आपने समझ लिया अच्छी तरह से। अब आगे हम कुछ चित्र देखते हैं और उनके नाम देखते हैं। पहला चित्र देखिए किसका है, पक्षी का। दूसरा चित्र देखिए किसका है, नक्शी का। पुढे पहा, ये कशाचा चित्र है, किसका चित्र है, झोपड़ी। ये किसका चित्र है, झोप। पुढे पहा, ये कशाचा चित्र है, झाड़। मुलानो, शब्द ऐका, सारख्या अक्षरास गोल करा, झो प, झो पड़ी, ये दोनों में झो शब्द अक्षर जो है वो दोनों शब्दों में झो अक्षर समान है, सारख्या है, इसलिए हम उसे गोल करेंगे। दूसरा देखिए शब्द, देखिए पक्षी और एक शब्द है नक्शी, इन दोनों शब्दों में छी जो है वो समान है, इसलिए हम उसे गोला करेंगे। बच्चों आगे देखिए, आगे हम कुछ शब्दार्थ देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। गावाजवळ, गांव के पास, पाण्यात पानी में, मासा मछली, जवळ पास में, छान छान सुंदर सुंदर, मुले बच्चे, झोपड़े सोना, झाड़ पेड़। उत्तर लिहा, पहला नदी कोठून वाहत आहे, उत्तर पहला नदी गावाजवळ वाहत आहे, दुसरा झोपडीजवळ काय आहे, उत्तर दुसरा झोपडीजवळ झाड़ आहे,
तीसरा शाळा कोठे आहे? उत्तर तीसरा शाळा झाडाजवळ आहे। चौथा पक्ष्याचा पंखांवर काय आहे? उत्तर चौथा पक्ष्याचा पंखावर छान छान नक्षी आहे। पाचवा नदीचा पाण्यामध्ये काय आहे? उत्तर पाचवा नदीचा पाण्यामध्ये मासा आहे। सहावा शाळेतील मुले कोणासारखी डोलतात? उत्तर सहावा शाळेतील मुले फुलांसारखी डोलतात। तो बच्चों हमने पाठ को पूरा अच्छी तरह से कविता को समझा और इसका स्वाध्याय भी हमने देखा। तो आप लोग एक बार फिर से इसका वाचन करिएगा, सारे स्वाध्याय को अच्छी तरह से पढ़िएगा, याद करिएगा। हम अगली कक्षा में मिलेंगे अगले पाठ के साथ। धन्यवाद।